दोस्तों साथियों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ भरत महोत्सव कराल घाटी आपका कर्ण नगरी कोटद्वार में। और यहाँ 3 दिन का जो है मेला लगा है MKVN स्कूल द्वारा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि कीर्तन मंडली ही हमारे आगे चल रही हैं, तो ऐसी कई सारी कीर्तन मंडलियाँ यहाँ पर आई हैं जो कि यहाँ प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। तो आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है, गेट है, यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंदर जो है 3 दिन का जो है मेला चलेगा। आप देख सकते हैं कि अंदर जाते ही काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉलीबॉल खेला जा रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। आप ये देख सकते हैं कि क्रिकेट की पिच है यहाँ पर बनी हुई और ये बगल में ही वॉलीबॉल का कोर्ट है। आप देख सकते हैं वहाँ झूले, आप विभिन्न प्रकार के झूले जो है लगे हैं, स्टेज लगे हैं। ये आप देख सकते हैं आगे पे प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पर कीर्तन मंडलियों ने भी जो है इन प्रोग्रामों में पार्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पंडाल लगा है, झूले झाले की व्यवस्था भी है और काफ़ी अच्छा हरा भरा मैदान है। काफ़ी जो MKVN स्कूल वाले हैं हर साल जो है यहाँ पर मेला लगाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इनके खेल के मैदान भी है, यहाँ पर क्रिकेट वगैरह की जो है यहाँ के जो विद्यार्थी हैं प्रैक्टिस करते हैं। आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो प्रथम जो है लॉटरी का व्यवस्था भी की गई है और जिसको प्रथम जो पुरस्कार मिलेगा उसको उसमें ये कार मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पंडाल लगे हैं जो खेलों से संबंधित थे। हालांकि ये सुबह के समय ज़्यादा इस समय कार्यरत है क्योंकि इसमें आप शाम के समय जो है प्रोग्राम चल रहा है, तो इस कारण जो खेल वगैरह हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो खेलों से जुड़े हुए यहाँ पर जो है पंडाल लगे थे। अब ये मेरे साथी जो व्लॉगर्स हैं आप देख सकते हैं और ये साथी आप देखते हैं ये हमारे समीर बिजी हैं जो स्कूल में कार्यरत हैं, टीचर हैं यहाँ आपके कंप्यूटर के। और ये देख सकते हैं कि ये भी जो है कीर्तन मंडली का जो है यहाँ पर पंडाल लगा है। यहाँ पर जो है और किसी को अपना नाम वगैरह लिखवाना पड़ता है ताकि वो प्रोग्राम में पार्ट ले सके। और ये देखिए आप विभिन्न जो प्रतिभागी हैं जो उस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं वो तैयार हैं आपके। और ये कुछ लोग आगे आपको पंडाल के सामने भी दिखाई दे रहे हैं स्टेज में। आप देखें प्रोग्राम चल रहा है तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जाता है MKVN स्कूल द्वारा। हाथ हिलता था।
हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार ओ सरस्वती की लुप्त धार, कैलाश शिखर के स्वर्ग द्वार ओ सरस्वती की लुप्त धार, गंगा यमुना की प्रथम धार ओ शैलराज हिमपति महान। हे देव भूमि शत शत महान, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट, हे पंच दिव्य केदार घाट, हे पंच दिव्य बदरी कपाट, पंच प्रयागों के भूखंड दिव्य ओ गौमुख की गंगा विराट। हे पुण्य भूमि के शक्ति पुंज तुझ में दिव्यता का वितान, रे पुण्य भूमि के शक्ति पुंज तुझ में दिव्यता का वितान, तेरी मिट्टी का मोल आ रे यह स्वर्ण धूलि से भी महान। हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध, तेरे अंचल की छाया में पला विश्व का आत्मबोध, तेरे मठ में हुए लीन जो बनकर निकले पूर्ण प्रबोध। करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल, करुणाश्रम से नाम लिए है जपता भारत वर्ष सकल, सीमा पर है खड़ा हिमालय युग युग से निर्बंध अटल। धारी दीपा मनसा ज्वालपा चंद्रबदनी की ज्योत यहाँ, धारी दीपा मनसा ज्वालपा चंद्रबदनी की ज्योत यहाँ, जग स्वर्ग महाधाम वैकुंठ लोक का ओज जहाँ। हे वीर सपूतों की धरती है दिए लाल अगणित तूने, हे वीर सपूतों की धरती है दिए लाल अगणित तूने, तीरू गौरा चंद्र सिंह से तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने, तुझ पर बलिदान किया शोणित जिनने। तू अखिल विश्व की बोधि सत्व, तू अखिल विश्व की बोधि सत्व, तू स्वयं स्वर्ग के लोक समान, तुझ में परम आलोक अखंडित, तू नित गर्वोन्नत नित महान। हे देव भूमि शत शत प्रणाम, हे दिव्य भूमि शत शत प्रणाम। ये सुमित्रानंदन पंत की धरती है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और अब पायल पोखंडी।